आज हम आपको टोरंटो के जेराड इंडिया बाजार ले चलते हैं। आज जुमे का दिन है और ये दोपहर के 2 बजे का वक्त है, तो आज हम डाउनटाउन के से होते हुए जब यहाँ से गुजरेंगे तो हमें रश नहीं मिलेगा। जेराड इंडिया बाजार 1960 की दहाई में आबाद हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों ने इसको बहुत आबाद किया, लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे लोगों की तादाद बढ़ती गई और लोग मुख्तलिफ इलाकों में आबाद होते गए, वैसे वैसे इसकी रौनकें कम होती गई। लेकिन आज भी ये शाम में खाने पीने का मरकज है। अगर आप एक ही जगह गाड़ी पार्क करके चाहते हैं, शॉपिंग करें, कुछ खाए पिए और दोस्तों को जमा करें, तो जेराड का ये इंडिया बाजार आज भी शाम में बहुत रौनक वाली जगह है, मिलने मिलाने की जगह है। नाम इसका जेराड इंडिया बाजार है, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी भी आते हैं, बांग्लादेशी भी आते हैं, चाइनीज भी आते हैं। यहाँ की जो खास बात है वो यहाँ के कपड़े हैं, रिवायती कपड़े, और यहाँ पूजा पाठ के बर्तन, खाना पकाने के बर्तन और कुछ इस्लामी किताबों की दुकानें और कुछ खास चीजें जो आम तौर पर आपके इलाकों में नहीं मिलती हैं, उसके लिए आप जेराड इंडिया बाजार आ सकते हैं। लाहौर बारबेक्यू पान सेंटर, ठीक है, थैंक यू। ये गंडेरी वगैरह और ये चीजें हैं इनके पास। फिर एक कपड़े की होगा, थैंक यू, ओके, आई विल ट्राई, थैंक यू। तरह तरह के इंडियन पाकिस्तानी खानों के लिए ये बहुत मशहूर है, और इसके साथ ही साथ यहाँ आसपास चाइनीज़ दुकानें, बांग्लादेशियों की दुकानें और कुछ और कम्युनिटीज़ की दुकानें भी हैं। लेकिन जिस हिस्से में हम आते हैं ये हिस्सा कहलाता है इंडिया टाउन, जेराड स्ट्रीट, इंडिया बाज़ार। अगर कहा जाए तो ये टोरंटो के हेरिटेज में शामिल होना चाहिए कि एक ऐसे वक्त में जब इंडिया पाकिस्तान के लोग आए थे और शहरों में इनकी दुकानें नहीं थी, तो इंडिया बाजार उनके लिए वाहिद बाजार था। और इस बाजार को मेंटेन रखना, इसको आबाद रखना इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी उतनी ही जिम्मेदारी। अब ये कोहिनूर किचन वेयर यानी के बर्तनों की दुकान लग रही है। इंडियन पाकिस्तानी जो बर्तन आपको चाहिए वो आप यहाँ से लें, बाहर से देखते हैं पहले और सामने से। पान शॉप, अगर पान खाने आपने यहाँ, बड़े बड़े शख्सियात आकर पान वान खाती हैं इस दुकान पे, बहुत मशहूर है। ये जेवरात की दुकान, सेल लगी है। ये एक बांग्लादेशी स्टोर है और इसमें बांग्लादेशी कपड़े मिलते हैं। जेराड इंडिया बाजार की खास बात यह है कि दोनों तरफ जो वॉकिंग स्ट्रीट है उस पर आप चलते रहें, खरीदारी करें, घूमें फिरें, गपशप लगाएं और जगह जगह रुक के गन्ने का जूस पी लें, छोले खा लें, हलवा पूरी खा लें, कुछ खा लें। ये एक और ज्वेलरी है, महाराजा फैशन, रानी ज्वेलर्स। हक्का फ्लेम, इंडियन चाइनीज खानों का मरकज। ये इंडियन मूर्तियों और इनकी पूजा पाठ की चीजों की दुकान। इंडियन ड्रेसेस,
शादी ब्याह के कपड़े और जो खास त्यौहार के ड्रेसेस होते हैं उसके लिए ये। ये भी इंडियन रेस्टोरेंट है। ये इस्लामी किताबों की एक दुकान है जराड में, काफी पहले कायम हुआ और ये आज भी अपने पूरे आबोताब के साथ मौजूद है। यहाँ पर आप सुवेनियर्स ले सकते हैं, यहाँ पर आप टोपियाँ, जानमाज, हज पे जाने की चीजें ले सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीजें। किसी को गिफ्ट देना हो, कोई टुकड़ा लेना हो, फूड मार्केट। ये देखिए आम आ गए, आम आ गए भाई, ये पाकिस्तान वाले आम है। कहाँ के आम है ये? ये बक्सर में। अच्छा, ये आम है यहाँ। थैंक यू जी। हाँ जी, ये है ना पाकिस्तानी आम? हाँ जी। हाँ जी, इसका नाम क्या है? चौंसा। चौंसा है। बॉम्बे फैशन, रेडीमेड गारमेंट्स, एक्सेसरीज, $12.99 की चीजें। अब देखिए हर तरफ कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। टोरंटो के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दो ही बड़े मौसम है, एक है विंटर और एक है कंस्ट्रक्शन। यानी जब विंटर नहीं हो, जब बर्फ ना गिर रही हो, तो हर तरफ कुछ ना कुछ तामीरात का मौसम होता है। ये एक एंटीक और जेवरात की दुकान है। यहाँ हम 1997 से आ रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन ये बाजार उजड़ता हुआ महसूस होता है। दिन ब दिन लगता है कि ये यहाँ पे अब लोग कम आते हैं। उसकी वजह यह है कि इतनी ज़्यादा हो गई है आबादी इंडियन पाकिस्तानी और सिखों की, बांग्लादेशियों की, कि ब्रैम्पटन, ओकविल, मिसिसागा, स्कारबरो, एजेक्स, पिकरिंग, आप नाम लें, वहाँ बड़े बड़े बाजार, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज, कड़ाही बॉयज, कड़ाही पॉइंट, राजधानी, फला रेस्टोरेंट। जराड इंडिया बाजार जो है वो इंडियन पाकिस्तानी दुकानों का मरकज़ था और लोग यहाँ खाने पीने और जेवरात के लिए और पाकिस्तानी ड्रेसेस के लिए आते थे। और ये दुकानें आज भी हैं इधर और अब भी लोग यहाँ आते हैं, लेकिन वीकेंड में और शाम के औकात में आते हैं। देखिए चीज़ें बदल रही हैं, हर मुल्क की तरह, हर ज़माने की तरह, हर दौर की तरह यहाँ भी। अब आज फ्राइडे है लेकिन ये दोपहर का वक्त है, 1-2 बजे का, तो यहाँ पे इस वक्त कौन आएगा? यहाँ तो इस वक्त लोग अपने कारोबार पर हैं या अपने स्कूल कॉलेज में। यहाँ शाम तक थोड़ी सी रौनक होगी। आसपास के इलाके रहायशी इलाके हैं और आसपास वो तमाम चीज़ें, स्कूल, पार्क और जो कुछ रहायशी इलाकों में होता है वो यहाँ है। अब भी बहुत सारे ख़ानदान यहाँ रहते हैं इंडियन पाकिस्तानी के।
और वो खुश हैं यहाँ पे। जरात का इंडिया बाजार एक अच्छा पैगाम भी है इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कि इनके बुजुर्गों ने कनाडा में आने के बाद मिलजुल के एक साथ ये बाजार आबाद किया और इसका आलमी मीडिया में काफी जिक्र है। बड़ी बड़ी शख्सियात और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जब भी टोरंटो आई है माजी में तो उन्होंने जरार इंडिया बाजार में खाना खाया है। यहाँ का लाहौरी टिक्का बहुत मशहूर है और यहाँ पर जो ताजमहल है उसका बड़ा नाम है। जब इंडिया पाकिस्तान के लोग अपने वतन से दूर कनाडा अमेरिका में मिलजुल कर एक बिल्डिंग में एक बाज़ार में एक मोहल्ले में मिलजुल के साथ रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मिलना जुलना करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अमन का ये पैगाम, मोहब्बत का ये पैगाम अपने इंडिया पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट करें। और जब तक हम जंग से अमन की तरफ नहीं आएंगे, इतना पैसा जो असलहे पे लगाते हैं, जो सरहदों पे लगाते हैं, उसको तालीम और सेहत और ख़ुराक पर नहीं लगाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान के लोगों की किस्मत नहीं बदलेगी।